नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के तत्वावधान में नागपंचमी महोत्सव चौरसिया दिवस महासम्मेलन लखनऊ के रविंद्रालय भवन चारबाग स्टेशन के बगल में होना सुनिश्चित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिक्किम के राज्यपाल महामहिम गंगा प्रसाद चौरसिया, कार्यक्रम संयोजक प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा ऋषि चौरसिया के नेतृत्व में हो रहा है। प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा मिथिलेश चौरसिया ने बताया कि हमारे कुल देवता नागराज का नागपंचमी महोत्सव भव्य रूप से मनाया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य, माननीय बृजेश पाठक जी, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के साथ साथ एमएलसी विधायक और पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में चौरसिया समाज को प्रतिनिधि देते रामपुर कारखाना के विधायक माननीय सुवेंद्र चौरसिया जी की गरिमामय उपस्थिति में चौरसिया समाज को जनप्रतिनिधि अधिकार मिले, समाज आगे बढ़े, इस पर विस्तार चर्चा होगी। आप सभी चौरसिया समाज के लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कर चौरसिया महासम्मेलन नागपंचमी महोत्सव चौरसिया दिवस को सफल बनावे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नागवंशी चौरसिया महासभा द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहना है सर? देखिए, हम लोग चौरसिया समाज से आते हैं और हम लोग नाग वंश से ही जुड़े हुए हैं, नाग से ही हम लोगों की पैदाइश है। पहली बार उत्तर प्रदेश में नागपंचमी महापर्व पर चौरसिया दिवस और चौरसिया महासम्मेलन मनाया जा रहा है, जिसके आयोजक अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। मुझे प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है और इस कार्यक्रम में हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार को यह बताना चाहते हैं, इसमें माननीय मुख्य अतिथि गंगा प्रसाद त्यागी जी राज्यपाल सिक्किम है, माननीय दोनों डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, बृजेश पाठक जी, माननीय दया शंकर जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जितिन सैनी जी, माननीय नरेंद्र कश्यप जी, ऐसे तमाम और ख़ासकर हमारे समाज के दो दो ब्रांड एम्बेसडर, हमारे विधायक, अन्य बहुत सारे विधायक सांसद जी को हम लोगों ने आमंत्रण भेजा, वह लोग आग दी रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करने का हमें यह कारण मजबूरी बस करना पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चौरसिया समाज सदैव अपना समर्थन दिया है। हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोग 55 से 60 लाख की आबादी में उत्तर प्रदेश में रहते हैं और 100% अपना सारा मत हम लोग भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। हम लोग इस कार्यक्रम के आधार से हम लोग मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि आने वाले चुनावों में चौरसिया समाज को भी जन प्रतिनिधि अधिकार दिया जाए, वो भी चुनाव लड़े और अपने समाज का आगे उत्थान करें। आजमगढ़ से कितने लोग शिरकत करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग यहाँ से लगभग 15-16 गाड़ियाँ जा रही हैं, हम लोग 150 से 200 के बीच में यहाँ से हम लोग लखनऊ जा रहे हैं और भव्य कार्यक्रम हो रहा है। पूरे प्रदेश से लगभग 10,000 चौरसिया जी लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे चौरसिया समाज के लिए? मैं मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को यही बताना चाहता हूं कि आप लोग जहां भी रहे एकजुट रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अपने समाज को भी आगे बढ़ाने का कार्य करें, जिससे चौरसिया समाज का उत्थान हो सके। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।